बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं रेसिपी मज़ेदार वाइट चना दही चाट। हमें चाहिए बॉयल्ड चिक पीस, इनको मैंने मीठा सोडा डाल के पहले भिगा दिया था, फिर बॉयल कर लिया था। हमें आलू चाहिए बॉयल करके, मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिया है। टमाटर और प्याज बारीक कटे हुए। बहुत ही ईजी और मज़ेदार रेसिपी है। एक से दो छोटे क्यूकम्बर लेके उनको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ हाफ बंच मैंने लिया है। पुदीना बारीक चॉप किया हुआ है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है, आपकी मर्जी है जितनी आपको पसंद हो। इमली का पल्प है, ये तकरीबन आधा कप है। गर्म पानी में इमली को भिगो के उसका पल्प बना लिया है। लेमन जूस, सॉल्ट, रोस्टेड एंड ग्रेटेड क्यूमिन एंड कोरिएंडर सीड्स अच्छी तरह बारीक पीस लिया है। काला नमक, चाट मसाला, ये है शान का फ्रूट चाट मसाला, ये आसानी से मिल जाता है। ये आपने डालना है 1/2 टेबल स्पून। इमली की मीठी चटनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 3 टेबल स्पून में इमली और खजूर की जो मीठी चटनी वो डाल रही हूँ। अब हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स। हाँ जी, मिक्स कर लिया है। साथ में मैंने ली है दही, होममेड दही है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। पानी डालने की ज़रूरत ना है, चमचे से ही मैं मिक्स करूंगी तो आप देखें इसका टेक्सचर बहुत ही सिल्की स्मूथ हो जाएगा, सीधा टेक्सचर। ये होममेड दही है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। और अब हम इसे करेंगे पोर अपनी चना चाट के मिक्सचर पर। आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, इसी तरीके से आपने इसको छोड़ देना है, फ्रिज में रख देना है। सर्विंग के वक्त ही आप इसमें स्पून डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला और थोड़ी सी इमली की चटनी मीठी वाली। इसके बाद मैं इसको कर दूंगी रेफ्रिजरेट और मैं बनाऊंगी होममेड पापड़ी। बहुत ही आसान है इसका भी प्रोसीजर। 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर में मैंने कॉर्नफ्लोर डालूंगी मैं, उसके अलावा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने, ज़ीरा 1/2 से 1 टीस्पून, अगर आप अजवाइन डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, नमक, ऑयल। इसको मैंने गूंद लिया है नीम गर्म पानी से, लेकिन इसका हार्ड डो बनाया है मैंने। इसको 15 मिनट के लिए हार्ड डो बना के इसका मैं छोड़ दूंगी कवर करके। अब देखते हैं 15 मिनट के बाद, ये देखें ये रेडी है। अब मैं इसकी बारीक रोटियां बेल लूँगी और कटर से गोल गोल इसकी पापड़ियाँ काटूँगी। ये देखें कितनी बारीक, जितनी बारीक हो सकती है आपने इसको बेलना है। अब मैं इसकी राउंड कटर से इसको मैं काट लूँगी। अगर आपके पास कटर नहीं है आप ग्लास रख के काट लें। ये देखें मैंने इसकी काट ली है। इसी तरह सारे डो की मैं बारीक रोटियां बना के काट लूँगी। उसके ऊपर मैं फोक से ज़रा निशान डाल दूँगी ताकि ये जो है वो बारीक है तो ये ज़्यादा फूलेंगी और क्रिस्पी रहे। ये देखें हमारी पापड़ी का जो छोटी छोटी पीसेस हैं वो तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई के दरमियान ही रखें और मैं इनको फ्राई करूंगी। इन बिटवीन मैं इनको फ्लिप करती रहूंगी जब तक इनका नाइस गोल्डन कलर, ब्राउन कलर आ जाएगा, डार्क ब्लैक नहीं होना चाहिए।
ये देख लें, मैं मीडियम पे इनको कर रही हूँ, तकरीबन ये रेडी हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर आया है, आप देख सकते हैं, देखने में ही कितनी क्रिस्पी लग रही हैं। अब मैं इनको एक प्लेट पे टिश्यू पेपर या नैपकिन, जो भी है किचन नैपकिन आपके पास, उस पर मैं निकाल के ठंडा होने दूँगी। उसके बाद मैं इनको सर्व करूँगी अपनी जो दही चना चाट मज़ेदार सी बनाई है, रेफ्रिजरेट की भी है, उसके ऊपर डाल के। लुक एट द क्रिस्पीनेस। ओके, अब मेरी दही चना चाट मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल ली है और अब हम इसको करेंगे इसके ऊपर सर्व। इस रमज़ान में मज़ेदार वाइट चना चाट रेसिपी पाकिस्तानी स्टाइल, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नहायत ही मज़ेदार है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।